हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। यह आईपीओ इशू ओपन होगा 7 फरवरी को और 9 फरवरी को ये क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 523.07 करोड़ रुपीज़। इसमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू है और 73.07 करोड़ का ओएफएस भी है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹445 to ₹468 पर शेयर। लॉट साइज है 32 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 12 फरवरी को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 14 फरवरी की। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, इक्विरिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू से रेज हुए फंड्स बैंक के टीयर वन कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए यूज होंगे और ऑफर के एक्सपेंसेस को भी मीट करने के लिए यूज किए जाएंगे। चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 1999 में। यह पहला नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2015 में एसएफबी लाइसेंस मिला था। इनकी ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी अपनी ब्रांचेस पर निर्भर है और ये रूरल और अर्बन लोकेशंस में प्रेजेंट है। इनका फोकस उन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स पर है जो 0.4 से लेकर 5 मिलियन रुपीज के बीच की इनकम कमाते हैं। इनका मेन ऑफिस पंजाब में लोकेटेड है और ये दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी लोकेटेड है। IDFC फर्स्ट बैंक, AU SFB, Equitas SFB, ESAF SFB, Suryoday SFB और Ujjivan SFB इनके पीयर्स माने जाते हैं। चलिए इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फिजिकल्स 2018-2023 के दौरान स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का AUM 29% के CAGR से बढ़ा था। वहीं FY19 से FY23 के दौरान स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का ओवरऑल डिपॉजिट 18.3% से बढ़ा। सेम ही पीरियड में इनकी क्रेडिट ग्रोथ भी 24.60% से बढ़ी थी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम वॉज रिपोर्टेड एट 676 करोड़ रुपीज़ फॉर FY23 अगेंस्ट 578.21 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 511.43 करोड़ इन FY21, अप बाय 16.91% इन वन ईयर एंड 32.18% इन टू ईयर्स। एबिदा अमाउंटेड टू 144.82 करोड़ रुपीज़ फॉर FY23 अगेंस्ट 100.6 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 70.22 करोड़ इन FY21, अप बाय 43.96% in 1 year and 106.24% in 2 years. PAT was marked at 93.59 crore rupees for FY23 against 62.56 crore rupees in FY22 and 40.78 crore rupees in FY21, up by 49.60% in 1 year and 129.50% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 7,990.77 crore rupees against 7,153.92 crore rupees in FY22 and 6,371.24 crore rupees in FY21, up by 11.70% in 1 year and 25.42% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 34.25 crore rupees against 34.04 crore rupees in FY22 and 33.91 crore rupees in FY21, up by 0.62% in 1 year and 1% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 721.38 crore rupees against 498.43 crore rupees in FY22 and 616.72 crore rupees in FY21, up by 44.73% in 1 year and 16.97% in 2 years. अब हम कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी का एडवांसेस पोर्टफोलियो सिक्योर्ड और डाइवर्सिफाइड है। इनका क्रेडिट प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड है। इनका अप्रोच कस्टमर सेंट्रिक है और टारगेट कस्टमर्स को ये अच्छी तरह से समझते हैं। इनका ग्रोथ का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एंड द कंपनी हैज़ अ रिटेल फोकस्ड लायबिलिटी फ्रेंचाइज विद अ हाई शेयर ऑफ कासा। रिस्क की बात करें तो इनका बिजनेस मेनली नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और कंपनी को स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। That was all for today's video. We hope कि आपको इस video के through इस IPO से related सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस IPO के लिए apply करने वाले हैं तो please हमें comment section में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये video पसंद आया then please do share it with your friends and family. See you soon. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.